अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंश्योरेंस, और अपन ने इंश्योरेंस की जब बात करी थी तो अपन ने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स की भी बात करी थी। कौन कौन से प्रिंसिपल थे? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ये सारी चीजों की बात करी थी अपन ने। तो आज कि इस क्लास में अपन बात करते हैं इंश्योरेंस, डिफरेंसेस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। अब एक नया वर्ड आ जाता है अश्योरेंस, तो अपन पहले बात करते हैं अश्योरेंस की कि अश्योरेंस होता क्या है। देखिए दोनों चीजें वैसे सिमिलर है कि इंश्योरेंस और अश्योरेंस एक सिमिलर वर्ड होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। दोनों नेचर वाइज अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग नेचर से बिलोंग करते हैं। इंश्योरेंस वर्ड पर्टिकुलरली अपन लाइफ इंश्योरेंस के लिए काम में लेते हैं। जब भी लाइफ इंश्योरेंस बनाई जाती है, एक लाइफ को सिक्योर करने के लिए उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है अश्योरेंस। और इंश्योरेंस वर्ड काम में लिया जाता है जब भी अपन किसी थिंग्स की इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी भी चीजों की इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है इंश्योरेंस। जब अश्योरेंस की बात होती है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की बात करी जाती है, तब वहां पर इवेंट हैपन होने की कोई कंपल्सन नहीं लगती है। यानी कि इंश्योरर इंश्योर्ड को जब कंपनसेट करेगा तो वहां पर ये कंपल्सरी नहीं है कि एन हैपनिंग ऑफ इवेंट होना जरूरी हो। किसी भी इवेंट के हैपन होने पर जरूरी नहीं है यहाँ पर कि ये बाउंड किया जाता है इंश्योरर को कि वो उसका कंपनसेशन का पेमेंट करेगा। इफ इंश्योर्ड इज डेथ और लेटर द एक्सपायर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है या जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में इंश्योरर को कंपनसेशन का पेमेंट करना होता है। बट इन इंश्योरेंस में इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट तभी करता है जब किसी इवेंट के हैपन होने पर ही किया जाता है। यानी कि अगर इंश्योर्ड ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो ड्यू टू द लॉस ऑफ फायर की वजह से अगर लॉस होता है तो ही इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो अश्योरेंस का मीनिंग अपन समझ में आया। अश्योरेंस का मीनिंग अपन वर्ड काम में लेते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब यहां पर जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है तो यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो एप्लीकेबल नहीं होते। यानी कि पहला प्रिंसिपल है एटमोस्ट गुड फेथ, एप्लीकेबल होता है। एटमोस्ट गुड फेथ के अंदर अपन ने बात करी थी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के बीच में एक फेथ होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे पर फेथ होना जरूरी है। जब भी पॉलिसी की टाइम आती है, एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जो भी वीकनेसेस होती हैं वो हाइड नहीं करनी है, छुपानी नहीं है, दोनों को एक दूसरे को बता देनी चाहिए। यानी कि ये प्रिंसिपल तो इंश्योरेंस और अश्योरेंस दोनों पर एप्लीकेबल होता है। इन अश्योरेंस केस जब भी कोई अश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाती है तो इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरर को अपनी जितनी भी डिजीज है अपनी बॉडीज के अंदर उसके बारे में पहले से ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए, ताकि उस हिसाब से ही इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड से प्रीमियम का पेमेंट ले सके। क्लियर है? लेकिन अपना एक प्रिंसिपल था इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बताता है अपने को? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि इन केस ऑफ लॉस इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को लॉस होने से पहले की स्टेज पर लाकर खड़ा कर देता है, यानी कि वो उसको कंपनसेट कर देता है। बट इन अश्योरेंस ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरर उसको लॉस होने से पहले की कंडीशन पर वापस नहीं लेकर आ सकता। यानी कि इस दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है जो कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे, नहीं कर सकता। तो ये जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये अश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा एक अपना था प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन। सबोर्गेशन का मतलब अपन ने बताया था कि जब इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट कर देता है तो जो जिस मटेरियल का लॉस होता है उसका ओनर कौन हो जाता है? इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है। क्लियर है? बट इन अश्योरेंस जब किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को भी इंश्योरेंस कंपनी लेकर कुछ नहीं कर सकती, यानी कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो उस बॉडी को लेकर नहीं जा सकते। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल हैं वो यहां पर अश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब अपन बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, तो अपन ने तीन कॉलम बनाए। पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर इंश्योरेंस और अश्योरेंस।
फर्स्ट नंबर इंश्योरेंस इन कंट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर ए लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। यानी कि इंश्योरेंस के अंदर अपन ने बात करी कि इंश्योर्ड को कंपनसेशन लेने के लिए सफर होना जरूरी है, लॉस होना मस्ट है। अगर उसको लॉस होगा तो ही इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा, अदरवाइज इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट नहीं करेगा। बट इन अश्योरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर ए लॉस और नॉट। अश्योरेंस के अंदर यह बाउंड किया जाता है इंश्योरर को कि उसको कंपनसेशन का पेमेंट करना है वेदर द इंश्योर्ड इज सफर्ड ए लॉस और नॉट। अगर सफर्ड जो इंश्योर्ड है उसको कोई लॉस होता हो या नहीं होता हो, दोनों कंडीशन में उसको इंश्योरर को यह बाउंड किया जाता है कि वो कंपनसेट का पेमेंट करेगा। सेकेंड अपन ने पॉइंट लिखा है द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन इट मे और मे नॉट हैपन। यानी कि इंश्योरेंस के अंदर जब किया जाता है जब रिस्क अनसर्टेन हो, अनसर्टेन का मतलब कि रिस्क हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट इन अश्योरेंस द टर्म अश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज सर्टेन एंड इट इज बाउंड टू बी हैपन। और इसको ये किया जाता है कि ये हैपन होगा ही, यानी कि हर एक इंसान चाहे वो कभी भी हो, इस कोई अर्ली एज में और कोई अपनी ओल्ड एज में उसकी डेथ होती है, यानी कि ये सर्टेन है कि उस इंसान की डेथ तो होगी। क्योंकि अश्योरेंस वर्ड अपन ने किसके लिए यूज लिया है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एक पर्टिकुलर लाइफ के लिए वर्ड काम में लिया है, तो उस लाइफ का एंड तो होना है भले ही वो अर्ली एज में हो और ओल्ड एज में हो। थर्ड अपन बात करते हैं इन इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट इज पेड ओनली एंड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। इंश्योरेंस के अंदर जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि इंश्योरेंस में इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेशन तभी पेमेंट करता है जब किसी इवेंट का हैपन होता है, इवेंट घटित होता है। यानी कि सपोज अगर आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आपको अगर लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर तो ही इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा। अगर आपको लॉस कोई अदर रीजन से होता है तो इंश्योरर इंश्योर्ड को लॉस का कंपनसेशन नहीं करेगा। बट इन अश्योरेंस द कंपनसेशन पेड वेदर द इवेंट हैपन्ड और नॉट। यानी कि अश्योरेंस में इंश्योरर जो होता है वो इंश्योर्ड को कंपनसेशन का पेमेंट करता है चाहे इवेंट हैपन हो या नहीं हो। जैसा कि अपन ने बताया कि इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेशन का पेमेंट करेगा अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तब भी, और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तब भी। यानी कि दोनों कंडीशन में इंश्योरर को इंश्योर्ड को कंपनसेशन देना होता है। फोर्थ पॉइंट अपन ने लिखा कि इंश्योरेंस के एग्जांपल की बात करी तो एग्जांपल लेते हैं अपन लाइक फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। और अगर अश्योरेंस की बात करें तो सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है और वो होता है अपना लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर हुआ डिफरेंसेस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस, अश्योरेंस का मीनिंग डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में अपन जब बात करेंगे तब अपन बात करेंगे इंश्योरेंस के अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आपको इनको रिवाइज करना है, इनको रिकॉल करना है। थैंक यू।